नहीं जा रहा है क्या लिखा है, आप जरा बता देंगे? मैं स्पेक्स नहीं लाया हूँ, क्या लिखा क्या है इस पे? पास का चश्मा लाया नहीं हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा है क्या लिखा है, ये क्या लिखा है वो जरा बता देंगे? और मेरा नाम गुरपाल है, नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू सर। क्या नाम? ये वो डॉक्टर का वो है प्रिस्क्रिप्शन, तो उसने क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो छोटा छोटा लिखा है ना, मैंने बोला था उनको बड़ा लिखने के लिए। थोड़ा हेल्प कर देंगे भाई सर, क्या लिखा क्या है? ECG, EEG, MRI, CT स्कैन। हाँ वो स्कैन करवाया था ना देहरादून में। हाँ जी 33। हाँ इन्वेस्टिगेशन। वैसे बहुत कम लोगों को होता है। हाँ अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करना है। इस कंडीशन इज हाईली 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 कंटेजियस। क्या क्या लिखना है इसमें? किसी चार पांच लोगों को पूछा है, वो भी ऐसे ही कर देते हैं जैसे आपने किए। क्या मतलब क्या ये पता नहीं क्या समझ बैठेंगे, मैं कोई पता नहीं, मैं कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ आपसे, जस्ट आस्किंग के प्लीज इसको पढ़ के बता दीजिए इसमें क्या हो गया। हाईली कंटेजियस। इस कंडीशन इज हाईली कंटेजियस। इसमें हिंदी में भी है, आप हिंदी में ले सकते हैं। इसमें लिखा किसी भी व्यक्ति के इसके करीब आने या इन्हें छू लेने से रोग लग सकता है। अरे क्या कह रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? You must avoid any kind of contact with anybody. क्या मतलब एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट? मतलब किसी भी व्यक्ति को इनके करीब आने या इन्हें छू लेने से रोग लग सकता है और इस तरह की बीमारी फैलाने का खतरा। क्या बात कर रहे हैं? फिजिकल कॉन्टेक्ट जैसे इवन टचिंग और स्पीकिंग विद अ पर्सन विल लीड टू स्प्रेड ऑफ टचिंग आल्सो स्पीकिंग। मतलब आपको ऐसे टच किया तो पेपर तो ऐसा, अगर आपको टच करूंगा तो स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। टचिंग और स्पीकिंग मतलब क्या? आपको ऐसे टच किया, ऐसा हिलाना के लिए आपको टच किया तो मतलब आपको भी हो सकता है। इसे कांटेक्ट नहीं करना, इवन टचिंग। कौन कौन नहीं टचिंग बोल रहे हो? इवन टचिंग और स्पीकिंग विद पर्सन क्या बोलते हैं, विल लीड टू स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। इवेंट होता है इंफेक्शन? हाँ ओ ऐसा, इवन टचिंग और स्पीकिंग विद पर्सन विल लीड टचिंग और स्पीकिंग। हाँ ये यहाँ पर कैसे भाग रहे थे अपन, है ना? भगने का तो है ना कोई प्रसिद्ध, इसमें भगने की क्या बात है ना? जो कुछ होगा सो हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। आ जाओ। किसी भी रिपोर्ट में ऐसे नहीं लिखा जाता है, बीमारी का नाम लिखा जाता है। इस तरह की बात लिखी हुई हम पहली बार देखा है। वही मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन हो ना कि आपके डॉक्टर से बात कीजिए, जिस डॉक्टर ने डॉक्टर वो डॉक्टर इसलिए मुझसे बात नहीं हुआ, ऐसे देख के चला गया। आप हिलाए तो विलाए तो प्रॉब्लम होता बोल के खड़ा रहना, मतलब कोई घबराने का बात नहीं है ना? अच्छा थैंक यू। आपको जान के खुशी होगी कि मुझे कोई बीमारी नहीं। ये एक कॉमेडी सीरियल चल रहा है जिसका नाम है छुपा रुस्तम, कैमरा वहाँ पर छुपाया हुआ है। प्रोग्राम का नाम है छुपा रुस्तम। अच्छा अच्छा रुस्तम, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है।